हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंसेन गोल्डन सीड को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक चैम्बर में जाता है एसन टेक्निक को इनहेरिट करने के लिए। तो ये एपिसोड क्विंसेन से शुरू होता है। हमें क्विंसेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखता है। जब उसने एसन टेक्निक को टच किया था तो किसी तरह के मैजिकल पावर के कारण क्विंसेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है। क्विंसेन अपने चारों ओर देखता है और इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल ओरा फ्लो कर रहा होता है। क्विंसेन इसे फील करता है और बोलता है कि काफ़ी पावरफुल ओरा है, क्या यहाँ मुझे इसे एब्जॉर्ब करना है। तभी क्विंसेन सच्चाई की नदी की ओर खींचा चला जाता है। क्विंसेन उस फोर्स से खुद को निकालता है और बोलता है कि यहाँ यह सच्चाई की नदी मुझे खाना चाहती है, मुझे पहले यहाँ के इस सच्चाई की नदी का स्ट्रक्चर को समझना होगा। क्विंसेन फिर मेडिटेट करने लगता है। क्विंसेन इस ओरा को समझता है और इस ओरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। क्विंसेन बोलता है कि व्हाट अ ग्रेट फोर्स। इस फोर्स के कारण क्विंसेन का थंडरबोल्ट ब्लड लाइन पावर कम होने लगता है और फिर क्विंसेन अपने थंडरबोल्ट पावर को इंक्रीज करता है बैलेंस बनाने के लिए। फिर इस सीन के बाद हमें दूसरा स्टूडेंट दिखाई देता है जो कि अपना ट्रायल पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण वो नंदू सिटी से बाहर हो जाता है। अपने बंदे के पास जाकर वो अपने एल्डर को सब चीज़ एक्सप्लेन करता है। एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ वहाँ से हासिल हुआ। वो बोलता है कि एल्डर ग्रे, मुझे एक चीट सीट मिडिल क्लास का मिला है। एल्डर बोलता है क्या सच में, और फिर अपने ग्रुप के साथ वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ आसपास खड़े लोग बोलते हैं इन वू कॉन्ग गेट के लोगों को क्या हो गया, अचानक क्यों चले गए। एक पास ही खड़ा बंदा बोलता है कि यकीनन उसे किसी तरह का ट्रेजर मिला होगा। एक और बंदा बोलता है क्या हमें उन्हें जाने देना चाहिए। इस बात पर दूसरा बोलता है उसे जो भी मिला होगा बेकार ही होगा, क्योंकि वो पहला था सभी कैंडिडेट में से जो सबसे पहले आ गया। फिर सीन अपने हीरो क्विंसेन पे आता है। क्विंसेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। उसके सामने एक सील आ जाता है और उस सील को देखकर बोलता है ये क्या, ये तो एक एक्सरसाइज चार्ट है। क्विंसेन बोलता है मैंने अपने पहले वाले लाइफ में भी इस तरह का पावरफुल एक्सरसाइज चार्ट नहीं देखा, क्या ये प्रैक्टिस करने से हेवन पावर को भी सरपास कर सकते हैं। क्विंसेन बोलता है चलो देखते हैं कि मैं इसे प्रैक्टिस कर पाता हूँ कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें नंदू सिटी का गार्डियन दिखता है। क्विंसेन के चैम्बर से एक गोल्डन लाइट आने लगता है और इसे देख कर गार्डियन बोलता है कि ये क्या, क्या पहला असेसमेंट क्लैन का एक्टिवेट हो गया, ये सच में क्विंसेन से एक्टिवेट हुआ है, ये प्लान हमारे क्लैन के द्वारा बनाया गया था प्राचीन समय में, फाइनली ये हो रहा है, मेरे क्लैन का पुनर्जन्म, अभी मुझे खुश नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज चार्ट का थर्ड लेयर अभी बाकी है, पहला दो तो सिर्फ थर्ड के प्रिपरेशन के लिए ही था, वैसे भी इस चीज़ को कोई ऑर्डिनरी लोग कर नहीं सकता। चलो देखते हैं कि ये क्विंसेन कहाँ तक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अपना हीरो क्विंसेन दिखता है जो कि एक्सरसाइज चार्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस सीन के बाद हमें बाकी कैंडिडेट दिखते हैं जो अपने ट्रायल को कर नंदू सिटी से निकल रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड मुझे लगता है कि जो ट्रायल ख़त्म कर बाहर गए हैं उन पर अटैक हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और भी एनीम एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।